Hi friends, this is your chatterbox Juhi and you guys are watching Hathway BTV हुआ क्योंकि ज़माना वही थी यंगस्टर्स का. Well, YouTube या फिर कोई भी सोशल मीडिया कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे लॉकडाउन के समय पे कुछ लोगों ने ना काम करना शुरू किया. मतलब बोर हो रहे हैं घर में, क्या करें, कुछ ना कुछ तो ऐसा करें. उन्होंने वीडियोज़ बनाने शुरू किए, उन्होंने कोई कॉन्टेंट बनाना शुरू किया और फिर धीरे 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 वो कॉन्टेंट लोगों तक पहुँचने लगा, उनको अप्रिसिएशन मिला और फिर उन्होंने एक कह सकते ना एक मन में ऐसा आ गया कि नहीं यार चलो अभी ये करना चाहिए, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग. सो यहाँ पे एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसा ही यूट्यूब चैनल जिसने शुरुआत करी लॉकडाउन में बोर होने वाले फील से कि चलो कुछ किया जाए. और इंदौरी खाने के लिए कितने ज़्यादा यू नो एक्साइटेड होते हैं और उसी के साथ रेसिपीज जानने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, शायद इसे ही कैटर करते हुए ये चैनल आगे बढ़ा. और इस चैनल का नाम है हर्षिता हरीश की रसोई. तो हर्षिता और हरीश, ये दोनों जो इसमें नाम में इम्पॉर्टेंट हैं, वो हमारे साथ हैं अभी. और मेरे साथ हैं हर्षिता जी, मेरे साथ हैं हरीश जी. आप दोनों का वेलकम करती हूँ. जय श्री कृष्णा. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके एक ऐसे चैनल की जिसके लगभग 2000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और ये तो सिर्फ अंगड़ाई है अभी. तो आप लोगों ने ठान लिया है कि इसे आगे तक पहुँचाना है. खाने का शौक़ और बनाने का शौक़ हर किसी को होता है, बट YouTube पे आना एक अपने आप में चैलेंजिंग काम होता है क्योंकि उसमें शूट करना पड़ता है सब कुछ. ये सफ़र शुरुआत कैसे हुई, मैं हरीश जी से पूछूं क्योंकि उन्होंने बड़ा मज़ेदार तरीके से बताई थी ये कहानी. बहुत छोटा सा एक सीक्वेंस हुआ था. हम लोग घर में बैठे थे, लॉकडाउन था, बोर हो रहे थे तो इसको शुरू से ही कुछ ना कुछ नया बनाने का शौक़ है. तो इसने कचौरी वचौरी बनाई घर पे, तो ऐसे ही विचारा है कि क्यों ना हमारी गली में करीबन 35-40 परिवार है, तो इसने सबको एक एक गिना भाई कि इतने तो 150 के करीबन लोग हो रहे थे, तो एक एक की दो दो कचौरी के हिसाब से 300 कचौरी बनाई और सबको धीरे धीरे इनवाइट किया कि भाई आप आओ. एक एक फैमिली को कि किसी को एक दूसरे को बताया नहीं और ऐसे कचौरी दी गई. तो वहाँ पर ऐसे हुआ कि भाई आप इतना बढ़िया बनाते हो, कचौरी बना रहे हो, हमको खिला रहे हो, तो उसको एक चैनल के रूप में क्यों नहीं आते हो आप, उसको वीडियो बनाओ. तो फिर एक छोटी सी वीडियो बनाई, फिर उन लोगों को भेजी, तो उनने कचौरी घर में ट्राई करी, फिर हम अपने परिवार में हमने वीडियो भेजी करी, परिवार पे देखा तो उन्होंने बोला क्यों ना आप इसको यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहे आप. तो फिर उसमें इसकी जीत थी कि मेरे को यूट्यूब पे आना. मेरे को ये था कि परेशान मुझे ही करना है, इसे शूट मेरे को करना है, कहानी मेरे ऊपर आके अटक गई. मैंने फिर दो चार दिन सोचने के बाद फिर मैंने कहा चलो अपन देखते हैं, शुरू तो करें. ऐसे ही हमारी शुरुआत हुई कि भाई चलो यूट्यूब पे अपन एक जमाते हैं और शूट करके देखते हैं कि क्या होता है, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कई मुझे ऐसे थे कि भैया हमारा चैनल तो एक साल हो गया, हमने 150 सब्सक्राइब हुए हैं और हम मैंने तो बंद कर दिया. मेरे को ये भी था कि कहीं अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा ना हो कि अपने बैक फुट पे आना पड़े. तो इसलिए वो पर माता रानी, माँ मुड़ेश्वरी की कृपा. और हमारा तो टैग ही है जय श्री कृष्ण, अपने श्रीनाथ जी बैठे हैं, तो वो उन्होंने एक लग्गा लगाया और एक सिलसिला जो शुरू हुआ, क्या 70-75 डिशेस आ गई हैं और चल रहा है. हर्षिता जी, डिसाइड कैसे करते हो क्या बनाना है, हरीश जी से पूछते हो या खुद ही ऐसे सोचते हो कि यार ये लोगों को खाने का बड़ा मन हो रहा होगा, कैसे डिशेस कैसे डिसाइड होती? जी सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम लेडीज़ों को ये होती है कि आसान चाहिए हमको कि बहुत जल्दी बन जाए, ज़्यादा मजमाना हो. जैसे कि पिज़्ज़ा बहुत सरल है बनाने को, ऐसा लग्जरी भी बनाना चाहिए तो बहुत अच्छा बना सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें. मगर मेरी सोच में अधिकतर यही आया, जैसे हम मौसम के अकॉर्डिंग चलते सबसे ज़्यादा हम दोनों का ही, और दोनों ही एक आपस में बात करते हैं, दो चार डिश लिख लेते हैं कि यार ये बताएं कि ये बताएं. अभी ये मौसम जैसे बारिश का आ रहा है तो मैंने कुछ नई नई डिश रेडी की है कि अपने को ये मतलब बताना चाहिए. अभी तक तो इस महीने में हम चार ही आती है, सैटरडे रात को 9 बजे करीब आती है, तो अच्छा लगता है और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. फिर वेट करते हैं. हाँ शुरू शुरू में तो पता इतने मैसेज आते थे, आपने अभी वीडियो डाली और अब कब डालोगे, हमें इंतज़ार है. तो मुझे आश्रो था इतने पैसे थे, मैंने कहा भाई मेरा फाइनल है, मैं सिर्फ सैटरडे रात को 9 बजे डालूंगी, अब बहुत हुआ तो फ्राइडे डाल दूंगी बस, इसके ज़्यादा नहीं. हमारी मतलब महीने में 4 या 5, जैसे कोई ओकेजन हुआ तो 5 कर देंगे, बाकी ऐसे 4 आएगी. मगर टचवुड मतलब सच में गणेश जी की कृपा, माता जी की, सब बोल सकते हैं कि इतने कम टाइम में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है. और बाकायदा मुझे मैसेज आते रहते, अब
दीदी ये बता दो, अब दीदी ये बता दो, अरे ऐसी ऐसी चीज आती दीदी आपकी वाली जो गिलकी की सब्जी उसकी रेसिपी दो, तो मुझे हंसी आती यार कि और कुछ बताना है कि नहीं, मतलब मजा आता है और वाकई में बहुत इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा परेशान भी होते हैं, काम काफी है, बिजी बहुत रहते हैं। आप दोनों के खुद के अपने पर्सनल काम है, पर उसके बीच में ये शौकिया तौर पे आपने जो शुरू किया है, आई थिंक ये एक अलग लेवल पे भी जा सकता है। हरीश जी आपसे पूछना चाहूंगी कि ये लॉकडाउन में कई पुरुषों को बेमन से ही सही पर किचन में जाना पड़ा, आप मन से किचन में गए हैं, इसकी खासियत बताइए, क्या धर्म पत्नी के साथ काम करने का सुख प्राप्त करना चाहते थे आप? ये तो मतलब हम दोनों का एक मतलब ट्रेजेडी है और उसके बाद की हमारी लव स्टोरी है, तो अपन ट्रेजेडी को अभी स्केप करते हैं, लव स्टोरी से चालू करते हैं। विगत हम 10-15 साल से एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना रखी है, ये दूसरे फील्ड में भी है, वहाँ भी बिजी रहती है, तो बिल्कुल ऐसा है कि जो आएगा वो पहले मतलब किचन में इंटरेस्टेड मैं भी रहता हूँ। अच्छा, और किचन में इंटरेस्टेड मैं भी रहता हूँ, मुझे भी टेस्ट का रहता ही है, कोई भी डिश बनी है तो सैंपल मेरे पास ही आता है, रिस्क मेरी ही रहती है पूरी, डिश का नामकरण करने का काम भी मेरा ही रहता है, कोई चीज़ भी बनना है, अभी जैसे पनीर मुस्कान आया तो वो डिश नहीं थी, नाम समझ में नहीं आ रहा था, ये एकदम मुस्कुराई मैंने, इस डिश का नाम पनीर मुस्कान, सबको बड़ी पसंद आई, मुस्कुराते मुस्कुराते। एक गाड़ी हमारी आई थी मैंगो मस्ती, मतलब उस दिन लिटरली हम मतलब म्यूजिक सिस्टम लाए थे, गाना वाना गा रहे थे, मतलब हम दोनों अपने आप में टाइम इंजॉय करते रहते हैं। लॉकडाउन में हम बैठे थे, हम दोनों गाना गा रहे थे, गाना गाते गाते मेरा आज मस्ती का मूड, शाम को हमको वीडियो बनानी थी, मैंगो की डिश बनी, मैंने इस डिश का नाम मैंगो मस्ती, बस तो ऐसे मतलब सारी अधिकतर डिफरेंट डिश ही दिए आप देखोगे भी ना, तो जैसे पिछले साल ठंड ये बारिश के मौसम में मैंने भुट्टा बड़ा बताया, मैं भी उसके लिए भी चैलेंज होती, मतलब कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आलू बड़ा सबके यहाँ रहता, नॉर्मल आलू का रहेगा, बेसन सब ये सब चीज़ रहेगी, अब मैंने प्रॉपर उसको भुट्टे का किया और उसमें तो कुछ अलग मसाला किया और वो इतना रिस्पॉन्स आया उसका, और हर चीज़ में ही है मुझे कि मतलब जहाँ तक है सबको बहुत कम टाइम में मैं बताऊँ कि वो जल्दी बना पाए, और सब यही बोलते हैं। आपको अच्छा, आप दोनों को पर्सनली क्या बनाना अच्छा लगता है, तीखी कोई मटेरियल या मीठा या क्या, और खाना क्या पसंद, पहले आप बताइए सर बनाना क्या पसंद है और फिर बताइए खाना क्या पसंद है। बनाने में तो सब डिश बनाना पसंद है और खिलाना सब डिश पसंद है, हम दोनों को पर्सनली अगर खाने की बात करें तो नमकीन चटपटा, इंदौरी तड़का बिल्कुल, हाँ एकदम लगना चाहिए कि इंदौर के लोग हैं, बढ़िया। सो आज हम क्या बनाने वाले हैं मैम? आज जैसे कि इंदौर में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों टाइम सब खाते हैं सेव, सबको इतना है पता, लॉकडाउन में भी आप तो हमको सेव की रेसिपी बता दो, हमारे घर में वो खत्म हो गई, तो एक दो को मैंने सच में बना के दी है कि आप तो लो मैं बना देती हूँ आप खा लो, वो इतने उस वक्त खुश हुए थे, आलू की सेव बना के दिए मैंने, रवे की सेव बना के दिए, सब इतने खुश हुए थे, तो आज मैंने सोचा कि आज इंटरव्यू तो क्यों ना कुछ हटके बनाऊँ, तो मैं सेव की चटनी बता रही हूँ। मुँह में पानी आ गया और सारे सेव लवर्स के मुँह में भी पानी आ गया होगा। सेव की मतलब एक बात बीच में काट रहा हूँ, इसकी सेव अमेरिका न्यूयॉर्क में स्पेशली ऑर्डर पर दिवाली पर हमारे पास में परिवार है, हमारा मतलब घर फैमिली मेंबर्स ही हैं, उसकी एक ही रहती है हर्षिता काकू, मतलब उसकी मम्मी बहुत सारी डिशेस बना के भेजती है, उसमें एक डिश हर्षिता काकू की सेव जरूर भेजना, बाकी सारी चीजें रहने दे, हर्षिता काकू दिवाली। हम लोग जब बात करेंगे इस डिश के बीच में हम सेव की भी बातें करते रहेंगे कि आप कैसे बनाती हैं, पर हरीश जी अभी आपको थोड़ा सा विश्राम देते हैं हम, जैसे ही हर्षिता जी बढ़िया सी सेव की चटनी बनाती है अपन दोनों मिल के उसे टेस्ट करेंगे, क्योंकि रिस्क तो आप भी लेते ही है रोज, तो हम दोनों मस्ती में इसे टेस्ट करेंगे, और नाउ द टाइम इज कि हम लोग देखें कि हर्षिता जी जो सेव की चटनी बना रही है उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, और आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम फाइनली उस किचन एरिया में हैं जहाँ पे अब हम एक ऐसी डिश बनाने वाले हैं जो मैंने तो इसके पहले नहीं सुनी। हाँ, सब्जियों में सेव डाल के बहुत खाई है और हर जगह हम लोग तो सेव की मैगी भी बना लेते हैं और खा लेते हैं, सेव डाल लेते हैं उसमें, बट सेव की चटनी समथिंग जो मैंने पहले कभी नहीं खाई, इनफैक्ट सुनी भी नहीं, पर हर्षिता जी ने आज ये जिम्मा उठाया है कि इंदौरियों को सेव के और करीब लाया जाएगा और उन्हें चटनी सेव की सिखाई जाएगी। तो हर्षिता जी का एक स्टार्टिंग
एक्टिंग पैटर्न है जो वो हमेशा अपने यूट्यूब के किसी भी वीडियो में शुरुआत में कहती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मैम वैसे ही स्टार्ट किया जाए इसे। हेलो हाय जय श्री कृष्ण, मैं हर्षिता आप सभी का हर्षिता हरीश की रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ सेव की चटनी। वाह, हम इंदौरियों को सेव बहुत ज़्यादा पसंद है भैया, खाने में सुबह शाम होना कंपलसरी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी चटनी बताऊं मैं आप सभी को। एंड ये जो आपने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ना हर्षिता जी, मुझे लगता है ये किसी भी आम घर में इजीली अवेलेबल है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं मिलेगी, चार इंग्रेडिएंट्स हैं और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड जब मुझे भूख लगे तो मैं भी फटाक से ऐसा कुछ बना के खा लूँ। सर शुरुआत में हमें क्या करना है इसमें? इसमें जो हमने लहसुन की कलियाँ लिए 10-15 लिए, अब अपने हिसाब से अगर किसी को लहसुन ज़्यादा पसंद लगती है तो ज़्यादा ले सकते हैं जी। इसे छील लिए और ये ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें हम इसे फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करना है नॉर्मल? कितनी देर तक? गुलाबी हो जाए तब तक ठीक है। देखिए हम इसमें डाल देते हैं, इसका ये है ये चटनी खराब भी नहीं होगी। अच्छा, आप एक महीने रख लो खराब नहीं होगी, क्योंकि मेन इसमें लहसुन ये फ्राई हो चुकी है तो खराब होने का काम ही नहीं है जी। बस हमें हल्की सी गुलाबी करनी है इसको और निकालना है जी। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैंने जैसे सेव हमारी जैसे इंदौर की बहुत ज्यादा फेवरेट है सभी को जी, तो मैं एक नया मसाला लेके आई। मैंने अभी भरमा प्याज बताए थे हाँ जी, दो चार वीडियो के पहले, उसमें मैंने मसाला सेव का बताया, मतलब सब इतने आश्चर्य थे, सूरत से, गुजरात से, पूना से मुझे फोन आए, आप तो नए नए मसाला नई नई डिश बताते हो, इतनी सरल के घर के सामानों से सब चीज बन जाती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो सब इतना पसंद कर रहे हैं। तो उसमें अपन ये मसाला भी कर सकते, सेव का मसाला। सेव का मसाला आपको और आप सेव भी बहुत अच्छी बनाती मैंने सुना है। सेव आप दिवाली वगैरह पे बनाती हैं? लहसुन की सेव बनाती है। सेव में कैसा क्या तरीका होता है सेव को बनाने का? सेव में भी नॉर्मल सी वैसे आपको लहसुन जैसे चाहिए रहती है, बेसन चाहिए रहता है, थोड़ा सा अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर और नमक और मोन का जो रहता है अच्छा डालना, उससे खस्ता बनती है। आई थिंक थोड़ा रेडिश तो होने लग गए हमारे लहसुन। ये देखिए इस टाइप से। अच्छा, इन्हें अगर हम तल लेते हैं मतलब ये खराब होने वाली चीज ठीक हमने अच्छे से हो गई है। ओके, क्योंकि अगर कच्ची ली ना आपने तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आएगी, आने लग जाएगी, और ये अगर फ्राई हो गई है तो उसको स्मेल नहीं आएगी और ये काफी चलेगी। ऐसे कोरोना काल में लोग तो कह रहे हैं भैया गार्लिक वगैरह और ये लहसुन वगैरह खाना ही है आपको, खाना ही है। और मैंने इसमें पिछले साल कोरोना इसमें वीडियो बनाई थी मसाला चाय मसाला जो कि अपने लिए काफी अच्छा था, सुबह शाम चाय मसाला चाय पीना थी। देखिए हो गई है, बस कितनी ही करनी है ये। ओके, तो ये कुछ कच्चा सा जो टेस्ट आएगा स्मेल आएगी लहसुन वो नहीं आएगी जैसे अगर फ्राई कर लेंगे तो जी। ये अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, किसी को लहसुन ज्यादा पसंद लगता है, किसी को कम मतलब ऐसा लगता है 4-5 भी डाली पर इतना तो लेना ही है। इनफैक्ट है ना 10-15 का जो है। अब देखिए जैसे कि आप सेम ले रहे, इसमें हमारी लौंग डली रहती है, सौंफ डली रहती है, हींग डली है, तो मसाला को ज्यादा लेना नहीं है, बस थोड़ा सा और तीखा करना है। और सेव आप कोई सी भी ले सकते हैं, नॉर्मल बारीक सेव भी, मोटी या कोई सी भी सेव ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कोई सी भी सेव। अब हम क्या करने वाले हैं, हम जो ये सेव है जी, इसे जार का पॉट है, इसमें हमने ये सेव डाल दी सारी। ओके, ये लहसुन डाल दी। अच्छा, ओके, और इसमें जैसे बाकी सब सेव में चीजें आ गई है, अब इसमें थोड़ा सा टेस्ट काफी अच्छा रहेगा तो इसलिए हमने काला नमक डाला है। काला नमक वो हमारी डिश का पैटेंट है, वो हम जरूर नमक के बजाय अपने काला नमक डालेंगे। अब देखने इसका टेस्ट काफी अच्छा, और थोड़ी हमें तीखी पसंद है तो इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने, और अब मिक्स में घुमा रही हूं, फिर टेस्ट करो क्या मजा आएगा। क्या बात है। सो अब हम लास्ट प्रोसीजर पे बढ़ रहे हैं, ये सब मिक्सी में अब हम घुमाने वाले हैं, और उसके बाद ये तीखी तीखी एकदम मुंह में पानी आ रहा, अभी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, वो चटनी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। सो लेट्स सी दैट। हमारी एकदम यमी
चटपटी सी सेव की चटनी बन चुकी है और उसके साथ आप देखेंगे कि ये जो थाली पूरी हमने तैयार की है इसमें सेव की चटनी के साथ सॉस है, हरी चटनी है और यहाँ पे आलू बड़े भी हैं और इसके साथ हम लोग ऐसे हमारी चटनी का रंग देख रहे हैं आप, एकदम मज़ा ही आ जाएगा आपको। और यहाँ पे मैं पहले हर्षिता जी से पूछूंगी कि हर्षिता जी ये चटनी कितनी दफ़ा आपके घर में बनती है महीने में? ये तो भी मैंने नया नया ही ट्राई किया है। अब बनती रहती है? पर बनती रहती है, चटनी तो चाहिए हम लोगों को। क्या होता है शाम में थक जाते हैं, कुछ हल्का कुछ सडनली कुछ बनाना है तो बस ये चटनी में आप थोड़ा सा और गरम तेल डाल लो और चपाती की मिक्स में लगा लो उस पे और सेव डाल लो और फिर ऐसे मतलब लाड़ी बीड़ी बोलते वाओ ये तो हमारी खासियत है लाड़ी बीड़ी। तो और अगर नहीं मजा आया तो फिर बोलना, मतलब सच में दिल से बहुत टेस्टी लगने वाली मेरा ये विश्वास है और खराब भी नहीं होगी तो फिर तो अच्छा ना बना के रखो। तो हरीश जी क्या कहते हो, टेस्ट करें अपन? ये तो क्या है, चटनी एक्सपर्ट है ये, इसकी लिस्ट जो है चटनियों की बहुत लंबी है, उस लिस्ट में ये एक नाम और जुड़ गया है, सेव की चटनी। सेव की चटनी, दो हरी चटनी तो दिखी रही है मुझे। हरी चटनी की भी आपको एक विशेषता बता दूं मैं, लोगों के हरी चटनी थोड़ी देर बाद ब्लैकिश हो जाएगी। ये हरी चटनी जैसे अपन आज सुबह आलू बड़े के लिए तैयारी करिए तो इस हरी चटनी को करीबन 4-5 घंटे हुए और आप ये देखिए ग्रीन है, अभी भी ग्रीन है ये, और ये कल तक भी ग्रीन रहेगी। और ये सिर्फ हर्षिता के हाथ का ही इसमें टेक्निक है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। वही तो सर ऐसा करते हैं, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपन अपनी चटनी, मैं आपको यहाँ पे चटनी देती हूँ आपकी थाली में और ये मैं भी लेती हूँ मेरी प्लेट में और थोड़ा सा इसके साथ आलू बड़ा लेंगे। सर ये आपके लिए, मैं तो मुंह में ऐसे लेते लेते ही पानी आ रहा है पता ही है। और थोड़ी सी हरी चटनी की जो तारीफ हुई है तो ये भी लेना बनती है। आह मैं ये माइक रखती हूँ और पहले मैं सारा दुनियादारी भूल भाल के मेरी चटनी को एंजॉय करती हूँ। वाह, हमेशा की तरह ही बिल्कुल परफेक्ट। मतलब ये कई बार मुझे आश्चर्य होता है, ये जैसे कई बार घर में हमारे राखी पे 20-25 लोगों का 50 लोगों का खाना हो, मसाले ऐसे डालती है, ये डाला, थोड़ा टेस्ट तो कर लो सबके सामने। तो वो पूरे मेहमान खाना खा के चले जाते हैं, उसके बाद फिर रात को हम खाते हैं, मैंने यार इसमें तो कुछ हल्का सा नमक की भी जरूरत नहीं है। सही बात, तो इसीलिए तो बंदे मैं टेस्ट। तो ये आप पूरा कंप्लीट तो करो ये अपनी चटनी। ये चटनी तो क्या चटपटी में, अब आलू वाला भी पूरा ही खाऊंगा मैं, थोड़ा सा कैमरा ऑफ हो जाए, लोगों ने तो यूं ही कहते हैं कि आप तो खा लेते हैं। मतलब हम ये बनाते हैं ना, हम दो मतलब टोटल 6-7 मेंबर के लिए बनाते हैं तो अधिकतर मुझे ऐसे मैसेज भी आते हैं आपकी जो डिश में ना चीजें इतनी सारी दिखती, क्वांटिटी दीदी आप दोनों इतना खाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है यार हम तो एक आलू बड़ा खा ले, एक कचौरी खा ले तो हमारे लिए बहुत है, मतलब हमको खिला के बहुत मजा आता है सबको कि ऐसे कुछ नया बनाओ। पर मैं चाहती हूँ एक बार और आप खाओ तो हम लोग आपको कैमरे पे दिखा सकेगी एक धर्म पति अपनी धर्म पत्नी की कितनी अच्छी अच्छी चीजें ट्राई करता है। बढ़िया, मजा आ गया, पैसा वसूल हो गया, पैसा वसूल। इंदौरी चटनी, इंदौरी सेव की इंदौरी चटनी बहुत शानदार, क्या बात है। और ये मुझे लगता है इसके साथ क्योंकि इंदौरी नाम जुड़ गया तो हम सबका कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इससे, और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं अब आराम से बैठ के जैसा हरीश जी ने कहा मैं खाने वाली हूँ इसे और मैं बहुत इंजॉय करने वाली हूँ, पर अभी मेरा जाने का समय हो गया है। ये बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है और ऐसी कई रेसिपीज़ इनके और इनके दोनों के कमाल के एक यूट्यूब चैनल पे भी है जिसका नाम है हर्षिता हरीश की रसोई, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ये कुछ ना कुछ ऐसा लाती रहेंगी। सेव की चटनी ले आएंगी, आने वाले समय पता नहीं और क्या क्या ले आएंगी। सो वी विल बी कमिंग बैक, हम फिर आएंगे इनके साथ, अब कुछ डेजर्ट में बना लेंगे, मीठे के तो हम बहुत शौकीन है ही। सो जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे अपने तरीके से, जय श्री कृष्णा वाले तरीके से कुछ कह दीजिए। जय श्री कृष्ण, आप हमारा चैनल ज़रूर देखिए और एक बार ये सारी चीज़ें ट्राई करिए, देखिए कैसा टेस्ट लगता, कैसी लगती है आपको, और बताइए जरूर, बताइए जरूर, कमेंट्स तो बनता है कि हाँ ये चीज पसंद आ रही कि नहीं आपको, कुछ मिस्टेक हो वो भी बताएंगे तो हमें चलेगा। क्या जय श्री कृष्ण जी, क्या बात है, बिल्कुल जय श्री कृष्ण, फिर बहुत जल्द मिलेंगे हम सब लोग। क्या बात है, मैं भी यही कहना चाहूंगी
कि मैं यहाँ आके बड़ी खुश हुई हूँ और मैं बातें करते करते थोड़ा सा और खा लेती हूँ। मुझे क्या है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये देख के कि इंदौरी चटनी हम खा रहे हैं जिसमें सेव डली है। जूही गुप्ता, ऐसे तो तू कभी दुबली नहीं होने वाली, पर अगर अच्छा खाना नहीं है जीवन में तो फिर क्या ही जीवन है। तो क्या मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत क्विक है, 5 मिनट में सब बन गए तैयार। बच्चे भी कहते हैं घर के कुछ खाना है, स्नैक्स टाइम पे हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ होती नहीं है, यू कैन मेक समथिंग लाइक दैट। सो कैसा लगा आपको हमारा सेगमेंट, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, feedback@therajima.com। Till then, this is your chatterbox Joy signing off with the camera person Manisha Ojaga ji. But you guys keep watching Hathaway BTV UA, kyunki zamana hai wohi, the same lover youngsters ka.